जैसे कि रेडिएटर। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डील में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, अभी मुझे रिसीव हुआ है ये ओप्पो इनको। इस वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और देखते हैं क्या है बॉक्स में और कैसा है ये ओप्पो इनको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए। तो कुछ ऐसा है ओप्पो इनको का बॉक्स और इधर कुछ मेंशन है इसकी डिटेल। और चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले और देखते हैं क्या है बॉक्स में। और बॉक्स ओपन हो जा, ऐसे बॉक्स ओपन हो जाता है और ऊपर ही हमें रखा मिल जाता है ये ओप्पो इनको जो कि रैप्ड है प्लास्टिक में। और रैप निकाल लेते हैं तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है ये ओप्पो इनको और देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमें। तो नीचे एक सेक्शन है उसमें हमें ईयरबड मिलता है और डेटा केबल नहीं मिलता हमें जबकि हर ईयरफोन में मिलता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन आप इसको पढ़ सकते हैं लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं है इसको भी। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बस आपको ये ईयरबड मिलता है एक्स्ट्रा जो कि चार हैं और ये ईयरफोन मिलता है और बॉक्स में कुछ है ही नहीं। इन लोगों को टाइप सी केबल देना चाहिए बट मिला नहीं है। कुछ इस प्रकार का है ये ओप्पो इनको और काफ़ी हल्का है ये। जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग देख लिया और बात करते हैं कुछ इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। सबसे ऊपर आपको बॉक्स पे ओप्पो लिखा मिल जाता है और उसके जस्ट नीचे आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है और सबसे नीचे ईयरफोन मॉडल वगैरह सब कुछ लिखा मिल जाता है और आपको पीछे की साइड आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 8mm का डायनेमिक ड्राइवर देखने के मिल जाता है, इसमें आपको 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है और एक ईयरबड में आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसमें आपको AI कॉल नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है और इसमें आपको IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है जो कि कनेक्टिविटी में बहुत सही है। इसमें आपको ATMS का लो लेटेंसी मोड मिल जाता है जो कि आपको गेमिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो ये बहुत सही ईयरफोन है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसकी साउंड क्वालिटी अपने प्राइस पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा सही है। मैं लिख के देता हूँ इसमें आपको 8mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है बट फील बिल्कुल भी नहीं होता 8mm। ये करीब 10 या 12mm का ड्राइवर फील होता है, बहुत ज्यादा सही है। और ये बहुत इजीली कान वगैरह में फिट हो जाता है जो कि बहुत सही दिखता है। और मैंने टेस्ट किया साउंड क्वालिटी वगैरह जो कि बहुत बहुत ज्यादा सही है। ये करीब 2000 रुपए में भी मिलता तब भी वर्थ इट है। इसमें आपको टच कंट्रोल भी दिया गया है, सिंगल टैप पे आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं एंड डबल टैप पे आप सॉन्ग वगैरह नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हैं। और राइट वाले पे आप प्रेस एंड होल्ड करके रखें तो आपका वॉल्यूम अप होगा और लेफ्ट वाले पे प्रेस एंड होल्ड करके रखें तो आपका वॉल्यूम डाउन होगा। अगर आपको ईयरबड कोई सा भी परचेज करना हो तो आप 100% को कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सही है। और मुझे ये बिग बिलियन डेज सेल में ये करीब 1300 रुपये में मिला और 100 रुपीज़ का मुझे कैशबैक पेटीएम में आ गया तो करीब मुझे 1200 रुपये में ये मिला और 1200 रुपये के लिए बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ये। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।